हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ये क्लास नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए क्या क्या कोर्स आपको करने की जरूरत है, क्या क्या टेक्नोलॉजी आपको सीखना है। इनफैक्ट यही प्रॉस्पेक्टस मैंने दिखाया था आपको, जिसमें ये सारी टेक्नोलॉजी मैंने एक्सप्लेन किया था। उसमें सीसीएनए में क्या क्या सीखना है, एमसीएसए में क्या क्या सीखना है, और ये कॉन्टेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के इस क्लास में, ये क्लास 2 है और यहाँ से हम शुरू करेंगे विंडो सर्वर की ट्रेनिंग। ठीक है, तो आज का ये क्लास नंबर 2 रहेगा और जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीएसए, विंडो सर्वर। ठीक है, तो विंडो सर्वर के सेशन में ये सारे जितने भी क्लासेस होंगे, 20, 25 या 30 क्लास हो सकता है। उसके बाद हम सीसीएनए करेंगे, वीएमवेयर करेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको आगे हम ले जाएंगे सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीएसए का क्लास। और अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए आईसीएनटी कॉलेज, क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी हम लॉन्च करते रहते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और अगर यूट्यूब पे आप हैं, आपके लिए मैं एक कॉन्टेंट बना रहा हूँ, फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की पूरी प्लेलिस्ट आपको। और आपको सपोर्ट करना है, आप सपोर्ट करो, आप शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और शेयर करना है अपनी कम्युनिटी में, ताकि ये आपका चैनल ग्रो हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे विंडो सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन ऑफ विंडो सर्वर। ठीक है, पहले तो विंडो सर्वर के बारे में हमें जानना चाहिए कि विंडो सर्वर है क्या, विंडो सर्वर क्या है और कौन कौन से एडिशंस हैं, कौन कौन से वर्जन्स हैं। लेकिन इसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास लूंगा, इसका एक सेपरेट वीडियो रहेगा आपके लिए। तो इस वीडियो में पहले इंस्टॉलेशन देख लेंगे हम। लैब से अगर शुरू करेंगे तो आपको ये वीडियो देखने से फायदा ये होगा कि आपको लैब सेटअप करने आ जाएगा। अगर आप हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो उसके लिए भी आपको ईजी रहेगा। ठीक है, तो जो भी इंस्टॉलेशन, और सबसे अच्छी बात ये होने वाली है इस क्लास में कि इसमें मैं विंडो सर्वर 2019, 2022, 2025 ये सारे सर्वर को मैं इंस्टॉल कर रही, एक साथ चार चार सर्वर, 3 या 4 सर्वर को हम इंस्टॉल कर रहे होंगे आपके साथ। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि किसमें क्या फीचर्स है और इंस्टॉलेशन हमें कैसे करनी है। तो फिलहाल हम लोग जो इंस्टॉल करने वाले हैं, मैं आपको सिनेरियो इसका बताता हूँ, लैब सेटअप कैसे करना चाहिए। जो भी ट्रेनिंग पीरियड में है, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको बेस मशीन में डायरेक्ट आपको इंस्टॉल नहीं करना रहेगा, आपको वीएमवेयर मशीन बना के, वीएमवेयर वर्क स्टेशन है इसको बनाना है, और यहाँ से आपको इस पे आपको इंस्टॉल करके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले वीएमवेयर देखिए, वीएमवेयर वर्क स्टेशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीएमवेयर वर्क स्टेशन 16 प्रो या 17 आप इंस्टॉल कर लीजिए। और इसके बारे में बताता हूँ पूरा लैब कैसे करना है आपको, और इसी में 4 सर्वर को हम बनाएंगे। और मैं बताऊँ, जब आप मशीन बना रहे होंगे ना, तो ये बाई डिफॉल्ट सी ड्राइव में जाके स्टोर होती है। देखो यहाँ पे जब हम जाएंगे ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो ये बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में जाके क्रिएट हो रही होगी, बट हमें सी ड्राइव में नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं देखो यहाँ पे जाऊँगा माई कंप्यूटर, और डी ड्राइव में मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, वीएमवेयर वर्चुअल मशीन करके, और इसके अंदर मैंने 4 फोल्डर बना रखे हैं, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4। तो इसी के अंदर हम विंडो सर्वर अपने इंस्टॉल कर रहे होंगे इस क्लास में। ठीक है, तो 4 सर्वर है, सपोज करो 2016, 2019, 2022, 2025, राइट। तो ये 4ों सर्वर हम कोशिश करेंगे। मैं देखता हूँ कौन कौन सा इमेज हमारे पास फिलहाल है, मैं वो भी देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो हमने इमेज रखा है यहाँ पे ओएस में, और मैं देख लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास है विंडो सर्वर 2012 भी है हमारे पास, और 2019 है, 2016 है, सर्वर 2022 है, और ये रहा विंडो सर्वर 2025, राइट। तो सारे हमारे पास सर्वर हैं और हम आपको पैरेलली इंस्टॉल कर रहे होंगे। ठीक है, बट आपको ऐसे नहीं ट्राई करना है, क्योंकि हो सकता है आपका जो कंप्यूटर हो इतना हाई कॉन्फ़िगरेशन ना हो। हमारे पास 32 GB का रैम है,
और स्टोरेज है तो कैपेसिटी ज़्यादा है हमारे कंप्यूटर का, तो हम तो कर लेंगे एक साथ पैरेलली चार चार सर्वर को। बट आपको ऐसा नहीं है, आपके पास हो सकता है आपके कंप्यूटर में 8 GB का रैम हो, तो आप एक साथ में एक ही कंप्यूटर को इंस्टॉल करो, जब वो पूरा हो जाए उसको शट डाउन करो, फिर दूसरा कंप्यूटर आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो लोकेशन हमेशा सिस्टम ड्राइव नहीं होना चाहिए, दूसरे ड्राइव में रखना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं, यहाँ से क्रिएट करेंगे वर्चुअल मशीन। सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करते हैं विंडोज सर्वर 2016। ठीक है, तो विंडोज सर्वर 2016 ये रहा, विंडोज सर्वर 2016, नेक्स्ट। और यहाँ पे हम लिख देंगे 16 सर्वर 1 लिख दे रहा हूँ मैं, ताकि हो सकता है मैं फ्यूचर में विंडोज सर्वर 2016 का एक और सर्वर बनाऊँ। और यहाँ से मैं ब्राउज में जाऊँगा और मैं अपना लोकेशन पिक करूँगा जहाँ पे हमने फोल्डर बना रखा, जहाँ पे ये इमेज जाके स्टोर होगी। ठीक है, तो दैट इज VMware वर्चुअल मशीन एंड दिस इज सर्वर 1। सो दिस विंडोज सर्वर 2016 इज गोइंग टू स्टोर इन ऑल इमेज, VHD फाइल, एवरीथिंग विल स्टोर इन दिस फोल्डर। ओके, सी ड्राइव में कुछ भी नहीं रहेगा। तो देखो ये लोकेशन मैंने पिक कर लिया है और यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, और ये 60 GB का वर्चुअल हार्ड डिस्क बनेगी बाय डिफॉल्ट। यहाँ से सिंगल फाइल दे देना है और क्लिक करो नेक्स्ट। अब ये बाय डिफॉल्ट एक कस्टम साइज ले लेता है, बट हमें कस्टमाइज करना है इसका, तो आपको कस्टमाइज में जाओ और यहाँ से रैम की साइज या हार्ड डिस्क की साइज या जो भी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो 2 GB है, लेट इट बी बाय डिफॉल्ट 2 GB रैम, प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से जो नेटवर्क एडाप्टर है हमारा, नेट दे रहा है, ब्रिज है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, तो एज इट इज रहने दीजिए। और ये DVD है, यहाँ से हमें ISO इमेज को पिक करना है। ठीक है, तो जस्ट यूज ISO इमेज पिक सेलेक्ट करना है और क्लिक ऑन ब्राउज, और जहाँ पे भी आपने वो ISO इमेज रखा हुआ है विंडोज सर्वर 2016 का, उसे आपको लेना। तो मैंने यहाँ पे डी ड्राइव में, देखो यहाँ पे सारे इमेजेस हमारे हैं विंडोज सर्वर के, तो ये रहा विंडोज सर्वर 2016, और क्लिक ऑन क्लोज कर देंगे यहाँ से। तो ये मशीन हमारी बन चुकी है विंडोज सर्वर 2016 का। जस्ट क्लिक करेंगे यहाँ से पावर ऑन। अगर सपोज करो आप बेस मशीन में इंस्टॉल कर रहे हो हार्डवेयर पे डायरेक्ट, तो पेन ड्राइव आपके पास बूटेबल मीडिया रहेगा, डायरेक्ट आप पेन ड्राइव को इंसर्ट करोगे और इंस्टॉल करना शुरू करेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा उसके बाद का। तो फिर यहाँ पे हम करेंगे पावर ऑन और यहाँ से आएगा एंटर DVD, ये आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी इनिशियलाइजेशन होता है उसको हम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सारे एडिशंस आ गए हैं विंडोज सर्वर के। ठीक है, विंडोज सर्वर में बेसिकली दो तरह के एडिशन हम यूज़ करते हैं, या तो स्टैंडर्ड या डेटा सेंटर। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड या डेटा सेंटर क्या है और क्या एडिशंस हैं, क्या वर्जन्स हैं, इनके बारे में हम लोग एक सेपरेट लेक्चर हमारा रहेगा इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, आने वाले टाइम में उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर। ठीक है, ज़्यादातर कंपनी जो होती हैं डेटा सेंटर को यूज़ करती हैं, और अगर कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर में, तो आपको डेटा सेंटर लाइसेंस में भी आपकी ये महंगा होता है, एक्सपेंसिव होती है देन इससे स्टैंडर्ड से। तो डेफिनेटली इसके अंदर फीचर्स उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगी, कंपैटिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल हम डेटा सेंटर को यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं और क्लिक करेंगे नेक्स्ट। पहले आप इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर देख लो, लैब सेटअप देख लो, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, कस्टम कर लेना है, हम पार्टीशन डायरेक्ट नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। तो देखो ये कुछ समय लगेगा, ये विंडोज सर्वर 2016 इंस्टॉल हो रहा होगा। साथ में हम लोग क्या करते हैं, दूसरी मशीन बनाते हैं और इसमें हम पिक करेंगे विंडोज सर्वर 2019 के इमेज को। तो पैरेलली हम विंडोज सर्वर 2019 को इंस्टॉल कर रहे होंगे इस सेशन में। यहाँ देखो, यहाँ पे हम इसमें लिखते हैं 19 और सर्वर 1।
ताकि हम सर्वर 2019 का अगर सर्वर 2 हमें बनाना रहेगा तो हम बना लेंगे। और यहाँ से हम कहाँ पे इमेज स्टोर करना है, सेम डी ड्राइव में एंड वीएमवेयर वर्चुअल मशीन के अंदर सर्वर 2 के अंदर हम स्टोर कर देते हैं विंडोज सर्वर 2019 को, तो सारी इसकी फाइलें यहाँ पे जाके स्टोर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे और ये बाय डिफॉल्ट 60 जीबी ले रहा है स्टोरेज। नेक्स्ट करेंगे और कस्टमाइज कर देंगे यहाँ से रैम को, सभी कुछ ले लिया है और डीवीडी से यहाँ से हम आईएसओ इमेज को पिक कर लेंगे। तो डी ड्राइव में और ओएस यहाँ पे हम विंडोज सर्वर 2019 का इमेज हमारे पास है, जस्ट क्लिक ऑन पावर ऑन और यहाँ से हम एंटर कर देंगे, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग जो भी इसकी प्री रिक्वायरमेंट है उसको हम कर देंगे, देन हम नेक्स्ट सर्वर की तरफ मूव करेंगे। आपको क्लास में बने रहना है, आप पूरा देखो सेशन को, एक आइडिया मिलेगा आपको सभी सर्वर को के बारे में। टाइम जोन सेट कर लेते हैं, इससे हमारा डेट टाइम सब सेट हो जाता है। नेक्स्ट करेंगे, आप जिस कंट्री से वहां का टाइम जोन लेना है। यहाँ पे देखो विंडोज सर्वर 2019 के अंदर भी आपको स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं डेटा सेंटर को पिक करूंगा, यहाँ पे डेटा सेंटर डेस्कटॉप मोड। ठीक है, दो तरह के होते हैं डेटा सेंटर, एक कोर इंस्टॉलेशन जिसके अंदर आपको केवल पावर शेल और सीएलआई मोड में काम करना रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं जहाँ पे ग्राफिकली पूरा हमें एक्सेस रहेगा। तो डेटा सेंटर ग्राफिक और यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, बाकी आई एक्सेप्ट नेक्स्ट, बाकी सारी चीजें सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सेम ही होता है इंस्टॉलेशन। थोड़ा हम विंडोज सर्वर 2025 को देखेंगे आज। देखो ये विंडोज सर्वर 2016 हमारा यहाँ ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है, इसमें पासवर्ड हम डालते हैं। सर्वर में हमेशा जो पासवर्ड डालते हैं आप वो कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड होता, ध्यान रहे। तो ये विंडो सर्वर 2016 हमारा हो चुका है, विंडो सर्वर 2019 इज गोइंग ऑन एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट विंडो सर्वर 2022। तो ये मशीन हमारी विंडो सर्वर 2022 हो रही होगी, देखो विंडो सर्वर 2022 एंड क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे मैं लिखूंगा 22 सर्वर 1 और यहाँ से मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन को पिन कर दूंगा सर्वर 3 जहाँ पे इमेज सारी स्टोर हो जाएंगी। देखो 60 GB सेम स्टोरेज ले रहा है और यहाँ से मेमोरी भी 2 GB ले रहा है और इसको मैं क्या कर दूंगा, आईएसओ इमेज यहाँ से पिक कर लेते हैं, ओएस इमेज एंड आईएसओ इमेज विंडो सर्वर 2022 ये रहा, क्लोज एंड फिनिश। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो आपका विंडो सर्वर 2022 की मशीन बन चुकी है, इसको पावर ऑन करो एंड 22 भी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। टाइम जोन हमने सेलेक्ट कर लिया है, देखो यहाँ प्रोडक्ट की मांग रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं है तो हमें यहाँ पे करना है आई डोंट हैव प्रोडक्ट की। ठीक है, तभी ये नेक्स्ट करने देगा आपको, जस्ट क्लिक करिए और फिर यहाँ पे देखो जो एडिशन इसके स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर यही आपको मिलेंगे। तो हम यहाँ पे इस डेटा सेंटर डेस्कटॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट आई एक्सेप्ट और यहाँ से हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट। तो विंडोज सर्वर 2022 भी इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है और विंडोज सर्वर 2016 ऑलरेडी इंस्टॉल, 2019 भी हो चुका है।
अब भी क्या याद रखोगे, एक साथ हम सभी सर्वर को इंस्टॉल कर रहे होंगे, है ना। तो ये हमारा विंडोज सर्वर 2022 एंड नाउ 2025। तो जहां से जाना है, और 2025 फिलहाल तो हमारे वीएमवेयर में ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बट आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, इमेज जब हम पिक करेंगे तो वो ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट और यहाँ लिखेंगे 25 सर्वर वन, और सेम लाइक यहाँ से हम डेस्टिनेशन इसका चूज कर लेंगे सर्वर फोर, नेक्स्ट। नेक्स्ट एंड यहाँ से कस्टमाइज आप कर लो, सेम 2 GB सभी कुछ वैसे ले रहा है। और ये जो हमारा DVD है, ISO इमेज यहाँ से पिक कर लेते हैं हम लोग। सो 2025 का इमेज हमने रखा है, यही इमेज होगा। तो जस्ट क्लिक ऑन पावर ऑन, देखते हैं विंडोज सर्वर 2000। आई थिंक यस, यस यही है विंडोज सर्वर 2025 इज जस्ट लाइक विंडो 11। आपका लुकअप, इसका सर्वर का लुकअप एकदम विंडो 11 जैसे रहेगा, मजा आएगा इसमें काम करने में आपको, ठीक है। तो ये है इनके टाइम जोन वगैरह, यहाँ से दे देना, ठीक है। हम फिलहाल वैसे कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ से, और इंस्टॉल विंडो सर्वर। आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, और यहां से सेम देखो आपको मिल जाएगा विंडो सर्वर 2025 डेटा सेंटर डेस्कटॉप। ओके, तो विंडो सर्वर 2012 ऑनवर्ड्स जितने हमारे सर्वर आए एडिशन, सभी में आपको स्टैंडर्ड डेटा सेंटर, स्टैंडर्ड डेटा सेंटर। विंडो सर्वर 2012 के पहले अगर हम देखेंगे तो वहां पे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग एडिशंस हुआ करते थे, स्टैंडर्ड, इंटरप्राइज, डेटा सेंटर, वेब एडिशन, कोर एडिशन, ठीक है, आइटेनियम एडिशन, बहुत सारे। बट विंडोज सर्वर 2012 R2 से आपको केवल दो एडिशन आपको देखने को मिलेंगे, स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर, ठीक है। तो हम फिलहाल यहाँ पे डेटा सेंटर को पिक कर रहे हैं और क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंड एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारी साइज हो गई सभी, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है डियर, यहाँ देखो। और बाकी सारे सर्वर हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, देखिए।
सबको लॉग इन कर लेते हैं। तो इस तरह से देखो हमारे तीन सर्वर रेडी हो गए। अब ये मोड पूरा नहीं आ रहा ना, आपको क्या करना होता है, ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है। ड्राइवर की सबसे ब्यूटी क्या है वीएमवेयर की, कि इसका ड्राइवर यहाँ पे खुद होता है। आप यहाँ से डायरेक्ट इसके ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे मैं बताता हूँ, यहाँ से इस सर्वर पे क्लिक करना आपको यहाँ पे, और इंस्टॉल वीएमवेयर टूल। जैसे वीएमवेयर टूल को आप इंस्टॉल करेंगे, ये पूरा ड्राइवर ले लेगा, ग्राफिक्स सब कुछ ले लेगा। तो इसको माय कंप्यूटर में जाओ और दिस पीसी, यहाँ से आपको इसको इंस्टॉल कर देना है बस। इंस्टॉल कर देंगे, अभी ये पूरा रेजोल्यूशन ले लेगा जो हमारे डेस्कटॉप का रेजोल्यूशन है। वो पूरा रेजोल्यूशन ले लेगा, यहाँ देखना अभी ये देखते देखते। यस देखिए, तो एज इट इज हमारे डेस्कटॉप का रेजोल्यूशन ये ले लेगा। इसको रिस्टार्ट करने दो। इसी प्रकार हम इसको भी कर लेते हैं, विंडोज सर्वर 2022 को इंस्टॉल वीएमवेयर टूल। एंड विंडो सर्वर 2016, तो देखिए सभी ये फुल स्क्रीन में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। यू विल नॉट फील यू आर नॉट ऑन डायरेक्ट होस्ट मशीन, यू आर वर्किंग ऑन फिजिकल मशीन, ऐसा आपको लगेगा। देखो ये भी देखिए सारा हो गया। ये देखिए विंडोज सर्वर 2025, और ये प्रोडक्ट की मांग रहे हैं हमसे। यहाँ से हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो जस्ट हम कर देंगे एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ से। और ये फिर वही पासवर्ड, सो माई डियर फ्रेंड, हमारे सामने अभी चार सर्वर है आपके सामने, ठीक है। क्या विंडोज सर्वर 2016, विंडोज सर्वर 2019, विंडोज सर्वर 2022 एंड विंडोज सर्वर 2025। इट्स जस्ट लुकिंग लाइक विंडोज सर्वर विंडो 11।
मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ आपको सीखना है इंस्टॉलेशन के लिए। मैं चारों सर्वर आपको इंस्टॉल करके दिखा दिया, यस या नो, आप जो भी देखना कमेंट जरूर करना। तो यहां पे भी वीएमवेयर टूल को इंस्टॉल करते हैं। मैं बताऊं आपको, वीएमवेयर के लिए वीएमवेयर वर्क स्टेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो मैंने बना रखा है यूट्यूब पे, मैं उसको भी इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, परेशान मत होइए, लैब सेटअप के लिए। तो उससे आपको वीएमवेयर वर्क स्टेशन फुल कोर्स करके है, तो इससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा अगर वीएमवेयर में कोई भी डाउट रहेगा तो आपको, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो इसी में करनी होगी। तो देखो इसको भी मैं इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। फंटास्टिक, देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा विंडोज सर्वर 2025, और देखो कैसा इसका फ्लेवर कैसा दिख रहा है। आपको ऐसा लगेगा विंडो 11 पे काम कर रहे हो आप, इट्स नॉट विंडो सर्वर। देखो सेम, ये देखो आप इमेज इसका सब कुछ विंडो 11 जैसे, रिस्टार्ट हो जाने दो तो ये सारे सर्वर्स आपके सामने हैं। डैशबोर्ड देखने में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा, देखो लॉगिन करके मैं दिखाता हूं। जो सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड हम देखते हैं। यहाँ देखो इसका डैशबोर्ड ये है, सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड। देखो लोकल सर्वर, लोकल सर्वर पे क्लिक करेंगे, लोकल सर्वर आ गया है, यहाँ पे सारा डिटेल दिख रहा है। अगर हम जाते हैं विंडोज सर्वर 2019 डैशबोर्ड, देखो लोकल सर्वर एज इट इज दिख रहा है आपको। चलो विंडोज सर्वर 2022 पे चलते हैं, विंडोज सर्वर 2020 का डैशबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, लोकल सर्वर देखो। एंड नाउ विंडोज सर्वर 2025 इसका डैशबोर्ड देखो। तो डैशबोर्ड, सर्वर का डैशबोर्ड आपको वैसे ही दिखेगा, सब कुछ इंस्टॉलेशन सब कुछ वैसे दिखेगा। कुछ इसमें रोल्स आपको ज़्यादा दिखेंगे, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाओ, और यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा रोल इसमें दिखेंगे कंपेयर टू वो सभी रोल। जैसे यहाँ पे हेल्थ ऑथेंटिकेशन यहाँ पे देखोगे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, और डिवाइस हेल्थ, और कुछ यहाँ पे गार्जियन, ये होस्ट गार्जियन सर्विस, ठीक है। तो ये विंडो सर्वर 2025, विंडो सर्वर 2022 का देखो। तो ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हम जस्ट आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो इसमें इसमें भी गार्जियन ये है, होस्ट गार्जियन है, इसमें भी हेल्थ है।
ये देखो विंडोज सर्वर 2019। तो ये ऑलमोस्ट सभी में आपको ये रोल्स एंड सर्विसेज मिलेगा। विंडोज सर्वर 2016 है और यहाँ पे देखोगे राइट सारे रोल्स आपको मिल रहे हैं। बस आपको सर्विसेज जो कंपैटिबिलिटी है ना, कंपैटिबिलिटी में आपको फर्क पड़ेगा। इस ये ज्यादा कंपैटिबल है, ये हाइपर वी में नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन की नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन रहेगा, ज्यादा नंबर रहेगा, ठीक है, कैपेसिटी उसकी ज्यादा रहेंगे। ये चीजें जो है कुछ डिफरेंसेस रहेंगे जिनके बारे में माइनर डिफरेंसेस हम लोग बात करेंगे एक सेपरेट लेक्चर में, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आया कि विंडोज सर्वर इंस्टॉलेशन, इसीलिए मैं बार बार अपने लेक्चर में हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ और बोलता रहता हूँ, आपको ये टेंशन नहीं लेना कौन सा सर्वर आप पढ़ रहे हो। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, चाहे विंडोज सर्वर 2025 पे काम करो या विंडोज सर्वर 2022 पे काम करो या विंडोज सर्वर 2019 पे काम करो या विंडोज सर्वर 2016 पे काम करो। फिलहाल यही चार सर्वर आपको अभी मार्केट में देखने को मिलेगा इस समय प्रेजेंट में, जब आप ये हमारा प्लेलिस्ट देख रहे होंगे। ये प्लेलिस्ट अगर 2 साल बाद आप देख रहे होंगे तो विंडोज सर्वर 2016 की सर्विसेज पूरी तरह से जा चुकी होगी, ठीक है। लेकिन अभी एज प्रेजेंट, अभी अगर हम 2024 की बात करें तो बहुत सारी कंपनी में अभी विंडोज सर्वर 2016 पे ही काम हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंस्टॉलेशन का पोर्शन, आई होप आपको समझ में आया, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, आप इसको समझने की कोशिश करो। इस प्लेलिस्ट में मैं VMware वर्क स्टेशन का फुल ट्यूटोरियल का उसको भी मैं ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो बस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।